हिंदी से जर्मन में सेंटेंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हम देखेंगे आज दो प्रेपोजिशन का यूज़, फॉन और आउस। दोनों बहुत सिमिलर लगती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। फॉन और आउस दोनों का मतलब होता है फ्रॉम, मतलब हिंदी में से, से। तो हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। इन सेंटेंसेस की हेल्प से हम समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, फोन कहाँ पर आता है और आउस कहाँ पर आता है। ठीक है, दोनों ही प्रेपोजिशन होती हैं, इनको बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, ये प्रेपोजिशन आपने पढ़ी होगी। और इस प्रेपोजिशन का नेचर क्या है, ये डाटिव प्रेपोजिशन होती हैं। तो डाटिव का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल अगर डेयर और दास होगा तो वहाँ पर हम डैम लिखेंगे, ठीक है, और अगर डी होगा तो वहाँ पर हम डेयर लिखेंगे। तो ये डाटिव होता है, यहाँ पे आर्टिकल चेंज होगा, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि कहाँ पे फोन आएगा और कहाँ पे आउस आएगा। ये दोनों ही प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं जब हम जर्मन पढ़ते हैं या हम जर्मन लिखते हैं बोलते हैं। तो इसको देखेंगे हम इन सेंटेंसेस की हेल्प से। आप अपने सेंटेंस कमेंट करके लिख देना, अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बाद में आपके कमेंट चेक करके ज़रूर उस पर मैं भी अपना रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते एक बार ये सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, इसको बताओगे आप। अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो जल्दी से सेंटेंस, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो तुम कहाँ से आ रहे हो मतलब पहले तो दू फॉर्म है, ये है ना, दू फॉर्म है, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो सिंपल सेंटेंस बनता है इसका, वोहर कॉम्सू, वोहर कॉम्सू, है ना, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ये वर्ब, ये क्वेश्चन अपने आप में इसका मतलब है कहाँ से। जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वोहर कॉम्सू, और कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, यही एक क्वेश्चन बनता है, वोहर कॉम्सू, तुम कहाँ से आ रहे हो। अगर हम फॉर्मल बोल रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हो, तो वहाँ पे लिखेंगे वोहर कॉमन जी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे से ये था, यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो किंडर, बच्चों क्या बोलते हैं, किंडर प्लूरल है, तो किंडर कॉमन। अब यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा, किंडर कॉमन फॉन डेयर शूलर। ठीक है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, फॉन डेयर शूलर, द किंडर कॉमन फोन डेयर शूल, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल की तरफ से आ रहे हैं, है ना, स्कूल की डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो फोन डेयर शूल। अभी और सेंटेंस देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल फोन और आउस के बीच डिफरेंस। पूरा वीडियो देखना, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं गिलास से पानी पी रहा हूँ, देखो गिलास से मतलब गिलास के अंदर से पानी आ रहा है, तो है ना, तो जब अंदर से कोई चीज़ बाहर इस्तेमाल होती है तो आउस, स्त्रिंग के, देखो स्त्रिंग के आउस, हाँ स्त्रिंग के आउस डेम ग्लास, स्त्रिंग के वासर, या स्त्रिंग के हाउस्टेम ग्लास वासर, या स्त्रिंग यहाँ पे लिख देंगे वासर, स्त्रिंग के वासर हाउस्टेम ग्लास। तो मैं ग्लास से पानी पी रहा हूँ, है ना, जैसे ये मेरा ग्लास है, ठीक है, तो इसमें से पानी आ रहा है बाहर, है ना, तो ग्लास में से पानी आता है, तो इसलिए हाउस्टेम ग्लास, जब अंदर से बाहर आता है। अभी और देखते हैं एग्जाम्पल क्लियर होगा। तो स्त्रिंग के वास्तव आउटडम क्लास। नेक्स्ट, यह किताब मेरे पापा की है। अब यहाँ पे भी हम फोन लिखेंगे, मैंने सेंटेंस जानबूझ के लिखा है ताकि आपको पता रहे कि फोन का एक दूसरा मतलब भी होता है, जैसे दास बुक एस्ट फोन माइनम फाटर, यह मेरे पापा की है, फोन माइनम फाटर, तो ये बुक मेरे पापा की है, फोन माइनम फाटर। तो ये हम पोजेसिव में, जब हम किसी की चीज़ होती है, जैसे मैंने बोला ये कार मेरी, ये कार मेरे भाई की है, दस आउटो इस्ट फोन माइनम ब्रूडर, मेरे पापा की है, फोन माइनम फाटर। किसी की होना, कोई भी चीज़ किसी को बिलोंग करती है, किसी से हो, किसी की है पोजेशन, तो वहाँ पे फोन यूज़ करेंगे। ठीक है, दस बुक इस्ट फोन माइनम फाटर, फोन माइनम ब्रूडर, फोन माइनम फ्रॉइंड, इस तरह से आपको फ़ोन का ये एक और यूज़ है, मतलब पोजेशन में जब हम किसी की बात करते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके अपने सेंटेंस जरूर बनाओगे। वह घर से काम करती है, घर से काम, है ना, वर्क फ्रॉम होम आजकल चल रहा है, अभी भी कोरोना में स्टार्ट हुआ था एक ट्रेंड, तो अभी भी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो वह घर से काम करती है, तो देखो इसको, सी आरबाइटेड फोन सू हाउस, यहाँ पे देखो दो प्रेपोजिशन आएगी, फोन सू हाउस, सो फोन मतलब फ्रॉम, जी आरबाइटेड फोन सू हाउस, वह घर से काम करती है, तो ऐसे बनेगा सेंटेंस, ये याद रखना, इश आरबाइटे फोन सू हाउस, मैं घर से काम करता हूँ, इश आरबाइटे फोन सू हाउस, ऐसे दोनों में गैप आएगा, फोन सू एक साथ रहेगा, तो ये अलग यूज है, ये भी सीखना है। हम रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं,
रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, तो वी आर कॉमन फोन डेम बानहोफ, बानो बोलते हैं फोन डेम बानहोफ, हम रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। वी आर कॉमन फोन डेम बानहोफ, हम रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, उस साइड से आ रहे हैं। मेरी अंगूठी सोने की है, अब देखो मेरी अंगूठी सोने की है, हम अभी मेटल की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ कोई चीज़ किसकी बनी हुई है, जैसे सोने की, चांदी की, कोई टेबल मेज लकड़ी की बनी हुई है, तो वहाँ पे हम आउस लिखेंगे। देखो माइन रिंग, रिंग बोलते हैं ठीक है अंगूठी को, माइन रिंग ईस्ट आउस डेम गोल्ड, दास गोल्ड होता है, देखो माइन रिंग ईस्ट आउस डेम गोल्ड, देखो सेंटेंस क्लियर है, मेरी अंगूठी सोने की है, माइन रिंग ईस्ट आउस डेम गोल्ड। वह घर से बाहर आ रही है, देखो घर से बाहर आना, अब बाहर आए तो आउस, जी जी कॉम्ड, अब यहाँ फोन नहीं आया क्योंकि अंदर से बाहर आ रही है, जी कॉम्ड आउस डेम हाउस, दास हाउस होता है तो यहाँ पे इसलिए आउस, ठीक आउस डेम, आर्टिकल चेंज हो गया ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को आपको सीखने हैं, और इस तरह से और भी सेंटेंस आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, हमेशा मैं बोलता हूँ लिख लिख के करोगे प्रैक्टिस तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए ठीक है, लिख लिख के। नेक्स्ट, मेरा दोस्त पुलिस है, अब ये भी एक सेंटेंस है, यहाँ भी फ़ोन आएगा, मतलब वो प्रोफेशन से पुलिस है या डॉक्टर है या टीचर है, तो उसका हम प्रोफेशन बता रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, एक तो ये भी हो सकता है एयर ईस्ट पोलिसिस्ट या एयर ईस्ट लेरर, बट यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, माइन फ्रेंड ईस्ट पोलिसिस्ट फोन बेरूफ, पोलिसिस्ट फोन बेरूफ बाय प्रोफेशन, फोन बेरूफ ये फिक्स होता है जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं कि वो पुलिस है प्रोफेशन से, वह डॉक्टर है प्रोफेशन से, उसका काम है डॉक्टर हाँ पेशेंट की देखना, उसका काम है, उसकी जॉब के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोन बेरूफ आएगा ठीक है, समझ आया। अभी और सेंटेंसेस उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने और भी कुछ सेंटेंस लिखे हैं, देखिए चलिए ये सेंटेंस भी देखेंगे। चलिए ट्रेन आगरा से आ रही है, ट्रेन कहाँ से आ रही है, आगरा से आ रही है, तो मतलब आगरा की तरफ से आ रही है, तो अब इसका सेंटेंस बताओगे आप कमेंट में लिख सकते हो, अगर जिसको पता है सेंटेंस, ट्रेन आगरा से आ रही है तो डेढ़सू या डी बान डेढ़सू कॉम्ट फोन आगरा, ठीक है डेढ़सू कॉम फोन आगरा, आगरा से आ रही है, आगरा की तरफ से आ रही है ठीक, उस तरफ से आ रही है। मैं सोनिया के पास से आ रहा हूँ, सोनिया के पास से कोई पर्सन है उसके पास से मैं आ रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से मिल के आ रहा हूँ उससे पास से आ रहा हूँ, तो इस खोमा फोन सोनिया, सिंपल यहाँ पे आउसनिया का फोन। वह स्त्री मतलब वह वुमेन, स्त्री लिखा है, वह स्त्री यूनिवर्सिटी से आ रही है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है, वहाँ से पढ़ के आ रही है, उस साइड से आ रही है, तो स्त्री मतलब वुमेन, तो डी फ्राउ क्या बोलते हैं स्त्री को, डी फ्राउ कॉम्ट फोन डेयर यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट ठीक है, फोन डेयर यूनिवर्सिटेट, वह यूनिवर्सिटी से आ रही है, तो लड़की है तो डी फ्राउ। रोहन खिड़की से देख रहा है, खिड़की के अंदर से आर पार देख रहा है, खिड़की से देख रहा है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन अलग हो जाएगी, यहाँ पे ना ही फोन आएगी ना आउस, जब आर पार देखते हैं तो डुर्श, ओके रोहन, सो रोहन देखने को क्या बोलते हैं, जीट, जेन का जीट हो जाएगा, रोहन जीट डुर्श दास फेंस्टर, वह खिड़की से आर पार देख रहा है, डुर्श जैसे देखो पिक्चर की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जैसे ये खिड़की है ठीक है, ये खिड़की और इसके आर पार से आप देख रहे हो है ना, तो डुर्श
दूरस्थ फेंस्टर, वह खिड़की से देख रहा है आर पार, वह टैक्सी से आ रहा है, देखो वह टैक्सी से आ रहा है, टैक्सी है। यहाँ भी देखो कुछ अलग है, यहाँ पे है से, हिंदी में से, टैक्सी से आ रहा है, खिड़की से देख रहा है, बट ना ही फोन ना हाउस, ये है ना स्ट्रेंज। यहाँ पे आका मिट, देखो एयरकॉन्ट मिडिम टैक्सी, ठीक है। मिडिम जब हम किसी ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, टैक्सी कार साइकिल, तो मिट, इसको में मिडिम फाराट, इसको में मिडिम बूस, इसको में मिडेर बान, यहाँ पे मिडिम टैक्सी। बच्चे पार्क से बाहर आ रहे हैं, पार्क से बाहर, किंडर कॉमन हाउस टेम पार्क, बच्चे पार्क से बाहर आ रहे हैं, किंडर कॉमन हाउस टेम पार्क, बच्चे पार्क से बाहर आ गए। मेरे अंकल काम से आ रहे हैं, मतलब काम पे गए थे और काम पे से वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो माई अंकल कॉम फोन डेर आर वाइट, माने अंकल कॉम फोन डेर आर वाइट, मेरे अंकल काम पे से आ रहे हैं। तुम कब से जर्मन सीख रहे हो, देखो कब से, यहाँ भी से है कब से, लेकिन यहाँ पे अलग है, तुम कब से जर्मन सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जाइट वन, अब यहाँ पे तुम पुराने टाइम की बात करो, पहले से और अभी तक सीख रहे हो, तो जाइट वन लर्नस टू डॉयच, ठीक है। जाइट वन लर्नस टू डॉयच या लर्नन जी डॉयच, तुम कब से जर्मन सीख रहे हो, जाइट वन लर्नन जी डॉयच, ठीक है। ये हमारे सेंटेंसेज है, अगर आपको समझ आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नई क्लास में, बाय बाय, ऑफ विटरसीन।